आपके मन में भी ये ख्याल शायद कभी ना कभी तो आया ही होगा कि सक्सेसफुल लोग क्या कुछ ऐसा अलग करते हैं कि उन लोगों से जो शायद उतने सक्सेसफुल नहीं है, या यू कहें कि वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। और जिस बात पर मैं यकीन करता हूं कि अवर प्रायोरिटी चेंज अवर फॉर्च्यून, हमारी प्राथमिकता हमारे भाग्य को बदल देती है। इसे हमें ऐसे समझना चाहिए कि दो लोग जिनमें से एक बहुत व्यवस्थित तरीके से खाना पीना और जिम में एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखता है, हेल्दी रखता है, और वहीं दूसरा इंसान उतना व्यवस्थित नहीं है, वह कुछ भी बाहर का ऑयली और जंक फूड खाता है और कभी एक्सरसाइज नहीं करता, तो कौन ज्यादा फिट और हेल्दी होगा? ऑब्वियसली है पहले वाला, क्योंकि उसकी प्रायोरिटीज दूसरे वाले से अलग है। हमारी जिंदगी भी ना हमारे द्वारा चुनी गई प्रायोरिटीज ही है, और वही हमारा फ्यूचर कैसे होगा ये डिसाइड करती है। मैं अगर अपना ही उदाहरण ले लूं तो मैंने हर दिन ये कोशिश की है कि मैं अपने आज और आने वाले कल को बीते दिन से और बेहतर कैसे कर सकता हूं, और मैंने वो सारे एफर्ट्स किए कि मैं अपने बीते हुए कल से बेहतर बन सकूं, और आज भी मेरी यही कोशिश होती है। यार उतार चढ़ाव अप डाउन्स हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, और यकीन मानिए परिस्थितियों पर कभी किसी का कोई वश नहीं होता। हाँ, लेकिन हमारे एफर्ट्स पे हमारा पूरा वश है। तो जब भी मुझे लाइफ में जैसे रिजल्ट्स चाहिए और वो नहीं मिले, तो मैंने अपने एफर्ट्स को डबल कर दिया, उन्हें और बढ़ा दिया। हिंदी फिल्म जगत के महानायक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के बारे में आज कौन नहीं जानता। उनकी अदाकारी और उनकी आवाज के आज करोड़ों प्रशंसक हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग को यह मालूम होगा कि उन्हें भी अपने शुरुआती दिनों में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। जब उन्हें ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो प्रेजेंटर के लिए इंटरव्यू दिया था, तब उन्हें उनकी भारी आवाज के कारण मना कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास में कमी नहीं की और खुद को एक महान अभिनेता के तौर पे फिल्म जगत में स्थापित किया। यह उनकी लगन ही थी कि उन्होंने अपनी असफलता को अपने दिमाग में हावी नहीं होने दिया। सोचिए, यदि उन्होंने वो कोशिश बंद कर दी होती तो क्या आज कोई अमिताभ बच्चन को जान पाता? आप किसी भी फील्ड को ले लीजिए, उसमें से जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने लगातार प्रयास करना जारी रखा। वो कभी ना कभी असफल हुए होंगे, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास, अपने एफर्ट्स में कमी नहीं की, बल्कि सफल होने के लिए और ज्यादा प्रयास किए। ऐसे ही एक जानी मानी शख्सियत है अरिजीत सिंह, जिन्हें रियलिटी शो फेम गुरुकुल में तो मन मुताबिक सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद अपनी मेहनत और लगन के दम पे वो आज हिंदी फिल्म जगत के सबसे सफल गायकों में शुमार है। असफलता और सफलता के बीच एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, जिसे हम एफर्ट्स कहते हैं, और सक्सेसफुल लोग लगातार एफर्ट्स करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग कुछ ही असफलताओं के बाद वो एफर्ट्स लगाना या प्रयास करना छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं। मैं दर्शन आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रयास जारी रखिए, और एक ना एक दिन वो सफलता जरूर मिलेगी। एंड दिस वे यू कैन मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ।